हेलो गाइस, वेलकम टू श्वेता फैमिली। एंड कैसे हैं आप लोग? कोरोना कितना ज़्यादा बढ़ गया है, मतलब अब तो लग रहा है कि मैक्सिमम पेशेंट आने लगे पर डे। तो मेरा जो फिर से रिव्यू है वो बेसिकली कोरोना के ऊपर ही है। मैं चाहती हूँ कि सब मेरे जितने फ्रेंड्स हैं, जितने मेरे सब्सक्राइबर हैं, सब सेफ़ रहें, फिट रहें, उनके बच्चे, उनके रिलेटिव सब अच्छे रहें। तो इसलिए मैं ऐसे वीडियोस ला रही हूँ बार बार, ताकि आपको पता चले कि चीज़ें कितनी ज़्यादा ज़रूरी है हम लोग के लिए। तो मैं आज एक इसका मैं रिव्यू ऑलरेडी दे चुकी हूँ N95 का। अब मैं ये ऑनलाइन मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया था, तो मैं इसका भी देना चाहूँगी। ये पूरा वॉशेबल और आई थिंक हमने 10 से 15 बार तक इसे धुल भी लिया है और यूज़ भी कर लिया। N95 मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये वॉशेबल नहीं है एंड ये एक ही बार आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन जैसे आप वॉश जब तक नहीं करते इसको आप सैनिटाइज़ करके कई बार यूज़ कर सकते हो, लेकिन इसे आप वॉश करके यूज़ नहीं कर सकते, बेकार हो जाता है। तो मतलब ये वन टाइम वाला ही सिस्टम है इसके साथ। और जो ये है, इसमें थ्री लेयर है उसी की तरह सेम, लेकिन ये उससे ज़्यादा काफ़ी मोटा है। आप देख सकते हो इसकी मोटाई, मतलब इसकी थिकनेस मोटाई थिकनेस देख सकते हैं आप कितनी ज़्यादा है। ये जैसे लगता है कि थोड़ा सा जैसे हल्का सा थोड़ा सा मोटा सा फील होता है, लेकिन ये अंदर से थोड़ा कॉटन है और ऊपर से सिंथेटिक टाइप का है। और इलास्टिक इसकी बहुत ही ज़्यादा, मतलब सॉफ्ट है, कान खींचते नहीं हैं। लेकिन सच में अगर कान ना बना होता तो हम इसे कहाँ फंसाते, सच्ची में ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। ये मास्क का क्या है कि आप बहुत रनिंग करना हो या ऐसा कुछ हार्ड वर्क करना, तो ये मास्क नहीं सही है, बहुत सांस फुला देता है। मतलब ब्रीथिंग प्रॉब्लम जिसको है वो तो दूर ही रहे, लेकिन ऐसे अगर देखा जाए कोरोना को, जैसे कि आप भीड़ में जाते हो तो उसके लिए तो बेस्ट है ये मास्क लगा सकता है। इसको आने के बाद आप आराम से वॉश कर दो साबुन से या सर्फ से, जो भी आपके पास है, सैनिटाइज कर लो, फिर वॉश कर लो, बहुत बढ़िया है ये। मैं अभी वॉश करके सुखा के इसका वीडियो बना रही हूँ, रोज़ शाम को वॉक करने जाती हूँ इसे पहन के ही। इसमें कि मैंने दो ऑर्डर किए थे और दोनों आई थिंक 170 की 179 के अराउंड थे और वो दो मिले थे। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। फ्लिपकार्ट से मैंने ऑर्डर किया था ये, और ये तो मैंने ऑफलाइन लिया था, तो ये 60 के रुपीज़ की 50-60 के अराउंड ही था। मैंने लास्ट वीडियो में रेट बताया, तो प्लीज़ देख लीजिएगा, उसका लिंक मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप देख सकते हैं N95 का वीडियो, इसका रिव्यू। तो इन दोनों के कंपेयर में आप, मैं ये बताना चाहूँगी कि ये वॉशेबल नहीं है, एक ही बार यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप जैसे बार बार यूज़ करना चाहते हो सैनिटाइज करके इसको रख सकते हैं, लेकिन ऐसी जगह जहाँ कोई ना आता चाहता हो, इवन आपके बच्चे ना आते हो। जैसे मेरे हस्बैंड ये लगाते हैं, लेकिन अभी तक तो उसको वॉश नहीं किए, तो वो स्टोर रूम हमारा एक है वहाँ पर रख देते हैं, वहाँ कोई बच्चा नहीं आता, हमारे कोई किड्स वहाँ पर नहीं जाते हैं उसको टच करने के, तो उन्हें जब लगाना होता तो सैनिटाइज करके रखते हैं, फिर नेक्स्ट डे यूज़ कर लेते हैं। लेकिन वॉश इसको करेंगे तो ये किसी काम का नहीं रहेगा। और ये है, ये हम लोग लगाते हैं, आते हैं इसको तुरंत ही तुरंत, मतलब आपको आने के बाद वॉशरूम में घुस के अपने आप को क्लीन करना है, साथ ही साथ मास्क भी क्लीन करना है। इसको कहीं इधर उधर नहीं छोड़ना है। इसको उतारने का तरीका आपको पता ही होगा कि इलास्टिक के थ्रू, एक बार मैं इसका वीडियो अलग से सेपरेट बना भी दूंगी तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो तुरंत वॉश करके आपको फैला देना धूप में, अच्छे से सूख जाए, उसके बाद ही आपको यूज़ करना है एकदम ड्राई होने के बाद। तो दोनों का कंपेयर वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले टाटा बाय बाय।